मॉर्निंग, श्वेता लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं बना के दिखाऊंगी सरसों के साग और मक्का की रोटी, क्योंकि इस ठंड में बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए इसके लिए मैं सामान दिखा रही हूँ, क्या क्या डालूंगी, कैसे बनाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड, मैं अपने तरीके से बनाऊंगी। देखिए इसमें क्या क्या डलता है। एक सरसों है, सरसों का दाना, और एक थोड़ा जीरा। मैं इसे पीसूंगी, और इसमें टमाटर, दो टमाटर और दो साबुत लाल मिर्च, इसे मैं पीस लूंगी। थोड़ा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लूंगी। फ्रेंड, एक किलो ये साग है, सरसों और पालक, और ये मेथी है, पहले से मैं कट करके रख दिए हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए हमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। मैं मेथी डालूंगी, मेथी थोड़ा ब्राउन हो जाए तो एक चार हरी मिर्च डालूंगी, जो मसाला का पेस्ट मैं बनाकर रखी हूँ उसे डाल रही हूँ। ये मसाला थोड़ा पक जाए तो इसे मैं सूखा मसाला डालूंगी। अब इसमें डालूंगी थोड़ा हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, पहले से इसमें मैं पेस्ट बना के डाल रही हूँ। अब इसमें थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, अब इसे भी अच्छी तरह भून लूंगी। अब इसमें मैं एक चम्मच मक्के का आटा डालूंगी,
इसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फ्रेंड इसमें अभी नमक मैं नहीं डाल रही हूँ। अच्छी तरह मसाला भून चुका है, अभी इसमें डाल रही हूँ सरसों और पालक। अब ये मेथी का साग है, ये भी इसमें डाल दूंगी। अब इसमें नमक डालूंगी, एक किलो साग है तो 1.5 चम्मच नमक। थोड़ी देर में पानी छोड़ देगा तो गल जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। फ्रेंड इसी से इसे मैश कर लेंगे, अच्छा से गल चुका है, बिल्कुल आधा हो गया है। फ्रेंड अब कुकर में बनाएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसलिए कढ़ाई में बना रही हूँ। देखिए ग्रीन दिख रहा है, इसी से इसको मैश कर देंगे। अब मक्के का रोटी बनाने जा रहे हैं, इसके लिए इसमें हल्का गर्म पानी चाहिए। अब इसमें थोड़ा पानी डाल के इसे गूंथेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथेंगे। इसमें हल्का गर्म पानी से गूंथते हैं क्योंकि रोटी कम टूटेगा, आसानी से बन जाएगा। इसे थोड़ा दबा दबा के गूंथेंगे, आटा सॉफ्ट बनेगा। देखिए फ्रेंड इससे थोड़ा और पानी डालेंगे। फ्रेंड एक तवा रख दिए हैं, अब इसे बनाने जा रहे हैं। इसके लिए एक चकला है, इस पर हम फॉइल रखेंगे। अगर फॉइल ना है तो आप कपड़ा से भी बन सकता है। देखिए लोई बना कर रखे हैं। इसे हल्के हाथों से दाबेंगे थोड़ा पानी लगा के। हल्के हाथों से
अभी इसे बेलन से थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे इसे। अब इसे इस तरह से उठाएंगे। अब इसे भी ऐसे थपथपाएंगे। इसे रख देंगे बिल्कुल आंच धीमा। चलिए एक और बना लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे। अब इसे भी देख लेते हैं। बिल्कुल धीमा आंच पे, क्योंकि ये पकने में थोड़ा टाइम लगता है। अब इसमें घी लगाऊंगी। दोनों साइड से अब इस प्लेट में होंगी। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा पक गया है दोनों साइड से। देखिए फ्रेंड
ये मेरा सरसों के साग और ये मक्का की रोटी बनके तैयार है। इस तरह से आप सरसों के साग एक बार जरूर बनाएं, क्योंकि सरसों के साग कई तरह के बनता है, इसलिए ये आज मेरे तरीका से आप लोग कभी बनाएं, खाएं और कमेंट करें कैसा बना है। चलिए सर्व करके दिखा रही हूँ। इसे साइड में रख देती हूँ। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा बना है, कितना बढ़िया दिखने में लग रहा है। आप लोग इस ठंड में जरूर बनाएं, जरूर खाएं और कमेंट में बताएं कैसा बना है। फ्रेंड सरसों के साग और मक्का की रोटी कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।